हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी अच्छी हूँ। और इन दिनों ठंड काफ़ी अच्छी हो रखी है हमारे यहाँ, लेकिन आज धूप निकली है बहुत बढ़िया। तो मैं यहाँ पर अपने कुछ काम कर रही हूँ, ये कुछ एक्स्ट्रा काम हैं जिन्हें मैं समय के साथ मैनेज करती हूँ, जैसे कि डस्टिंग वगैरह जो है। बच्चों के साथ हमेशा हर काम करना पॉसिबल नहीं होता है, तो जैसे जैसे समय मिलता है मैं उस हिसाब से इन कामों को मैनेज कर लेती हूँ। तो अभी मेरा बेटा सो रहा है तो मुझे थोड़ा टाइम मिला है, तो मैं डस्टिंग कर रही हूँ यहाँ पे, थोड़ी जो भी अपनी क्लीनिंग थी वो कर रही हूँ। कुछ मेरे पैकेट्स आए हुए रखे थे, उन सबको अरेंज करना, मतलब ये काम जो थे मेरे वो मैं करने लगी हूँ यहाँ पे। सारी चीज़ों को बड़ा अरेंज करके रखना पड़ता है, तो बस थोड़ी जगह बना रही थी रखने के लिए। और ये अभी ना हम लोग एक शादी में से आए थे, तो वो मतलब गारमेंट्स वगैरह का काम, कपड़े वगैरह तो मैंने सारे सिलटा लिए हैं। ये थोड़ी एसेसरीज़ अभी ऐसे ही, मतलब जो से पैक होके गई थी वो वैसे ही रखी हुई हैं, तो उन सबको भी मुझे ठीक से लगाना है। तो कुछ इसमें मेरी भाभी की एसेसरीज़ हैं, कुछ मेरी हैं, तो आज मेरा भाई भी आएगा, तो मैं सारी चीज़ों को ना सेपरेट कर रही हूँ, ताकि जो भाभी की हैं मैं उनको उसको दे दूँगी, वो ले जाएगा। जो मेरी हैं उनको भी मैं अरेंज करके रख देती हूँ। तो ये मेरे बैंगल्स थी, वेलवेट की चूड़ियाँ मैंने खरीदी थी, इस बार लेके गई थी लेकिन ना मैंने पहनी नहीं, इतनी ज़्यादा ठंडी थी ना, स्वेटर वगैरह पहने तो मैंने इससे ज़्यादा बैंगल्स चेंज ही नहीं किए। और अब साड़ी ब्रोच वगैरह ये सब भी ना सबको एडजस्ट करके रख दूँगी अच्छे से, ताकि ना फिर चीज़ें मिल जाती हैं। अभी अगर ऐसे ही मैंने एज इट इज़ छोड़ दिया इनको, तो फिर जब नेक्स्ट टाइम कहीं जाना होगा तो नहीं मिलती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो सारी चीज़ें ना मैं यहाँ पे बस सेपरेट करने में लग गई हूँ। और कुछ साड़ी ब्रोच ना टूट गई थी मेरी, उन सबको चिपकाया भी था, तो उन सबको भी लगा के रख रही हूँ, वो मेरे पास पहले बाहर रखी हुई थी। तो सारी चीज़ों को ना ठीक से मैं करने लगी हूँ यहाँ पे। तो अभी चलिए सारी चीज़ों को मैं अपनी जो है मेरा सामान जो है वो मैं सेपरेट कर चुकी हूँ, तो उनको तो मैं जमा देती हूँ अपनी अलमीरा में। और यहाँ पे सिर्फ भाभी का सामान रह गया है, तो इनको भी अच्छे से पैक कर देती हूँ, क्योंकि लाख के चूड़े हैं इसमें, तो ढंग से पैक करके दूँगी, कहीं वो जाते वक्त ना क्रैक ना हो जाए। तो अच्छे से डबल लेयर की पन्निंग कर दूँगी मैं इसमें, और फिर अच्छे से बॉक्स में डाल के दे दूँगी। उसके बाद फिर मैंने फटाफट कॉम कर लिया था, क्योंकि हेयर वॉश किया था मैंने कल, तो उसके बाद अब कॉमिंग की है, बालों को सुलझाया करा है, फटाफट मैंने यहाँ पे कॉम किया। सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो अभी मैं आई हूँ ना छत पे, और तीन जीने चढ़ के आओ ना तो सांस फूलने लग जाती है एकदम से, तो अभी ना बहुत सांस फूल रही है। कंटिन्यूस आई हूँ ना, मतलब ब्रेक नहीं लिया, नीचे से सीधा ऊपर। तो कपड़े वगैरह तो सूख ही रहे, देखो पूरी छत भरी हुई है कपड़े ही कपड़े, क्योंकि कल मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो कल मैंने नहीं धोए, और प्लस उससे पहले मैं शादी में गई थी, तो वो कपड़े धीरे धीरे करके ना कपड़े ख़त्म ही नहीं होने में आ रहे हैं, और ना सीधे सूरज की रोशनी पड़ रही है, आँख भी नहीं खोई जा रही है। और देखिए मैं अभी ऊपर आई हूँ ये तेल सुखाने के लिए, ये देखो, क्योंकि 29 मंडे को है सकर चौथ, जिस दिन व्रत होता है, तो उस दिन तिलकुट बनता है, तिल्ली से ही होता है मतलब उसका सब कुछ, और जो व्रत खोलते हैं तिलकुट का बहुत महत्व होता है उसमें, तो उसके लिए ये हमने यहाँ पे तिल धोए हैं। तो अभी तो मैं ना इनको परात में ही सुखा रही हूँ, जब तो थोड़ी सी ड्राई हो जाएंगे ना उसके बाद कपड़े में डालेंगे। एक तो कबूतर बहुत है हमारे यहाँ पे ना, छोड़ते नहीं है, मुँह मारते रहते हैं, पर अभी थोड़ी देर इसमें डाल देते हैं, कल फिर ना इनको कपड़े पर सुखाएंगे, आराम से सूखेंगे। और ना पूरी छत भरी हुई है, धूप भी नहीं आ रही है, कपड़ों से ना धूप रुक जाती है। अब आई हूँ तो थोड़ी देर मैं भी धूप खा लूँगी, और कपड़े वगैरह तो मम्मी ने चेंज कर दिए थे, मतलब अभी धूप तो अच्छी है लेकिन जैसे एक दो बार चेंज कर दो ना तो सूख जाते हैं फिर शाम तक। तो छत से नीचे आई, तब तक बेटा उठ चुका था, तो यहाँ पर अभी दोपहर का मतलब 1:30 बज रहा है अभी, तो मैं उसको ना यहाँ पे चीकू दूंगी खाने के लिए, क्योंकि उसकी तबीयत भी थोड़ी ठीक नहीं है, वॉमिटिंग कर दिया था उसने एक दो बार, तो यहाँ पे बस चीकू मैश करके दूंगी, वो थोड़ा बहुत खाएगा जो भी नहीं खाएगा। तो यहाँ पे मैं वही तैयारी करने लगी थी, उसी बीच में आ गया था इनका फ़ोन, क्योंकि ये गए हुए थे कुछ शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मतलब ऑफ़र निकला हुआ था रिपब्लिक डे ऑफ़र, तो मुझे पिक सेंड करके भेज रहे थे कि ये टी शर्ट्स हैं जो ऑफ़र में मिल रही हैं बच्चे के लिए, तो मैं वो ले लूँ या नहीं, ऐसे कुछ हमारी थोड़ी बहुत इस बारे में बात हुई थी। तो फिर यहाँ पे हम लोग ना वही डिस्कस कर रहे थे, मैं बता रही थी कि ये साइज़ लेना है, ऐसे लेना है, वैसे लेना है, तो बोले नहीं उस पर लिखा हुआ है कि ना
7 to 8 या मतलब एज लिखा हुआ है, बट एज का ना मैं एज के अकॉर्डिंग कभी बच्चों के कपड़े नहीं लेती, मैं साइज़ देख के ही लेती हूँ। उनके लिखने से कुछ नहीं होता, हमारे बच्चे के अकॉर्डिंग हम देखेंगे ना कि हमें क्या साइज़ परफेक्ट आएगा। तो बस उसके बाद अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को। तो ये लोग शॉपिंग करके आ चुके हैं, मेरा भाई और मेरे हस्बैंड, और इनको लगी है बहुत जोर सी भूख क्योंकि ये गए थे 12 बजे से और आए हैं 5:30 बजे। तो जल्दबाजी में कुछ खा के भी नहीं आए वहाँ से, मतलब घर से जो खा के गए थे बस वही है। तो यहाँ पर मैं चाय नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ, और यहाँ पर ये देखिए सारे कपड़े खोल के बैठे हुए हैं, बहुत सारे कपड़े आए थे मतलब हमारे यहाँ भी, और भाई भी काफ़ी सारे लेके आया था, बच्चों के भी खुद के, क्योंकि वहाँ पर रिपब्लिक डे पर काफ़ी अच्छे ऑफर्स निकले हुए थे। और मम्मी आ गई हैं छत से कपड़े लेके, तो यहाँ पे ये सब चल रहा था। और एक साइड मेरी चाय बन रही थी, चाय बनने के बाद फिर मैं गई थी यहाँ पे, चाय पीते पीते मैंने पूछा था कि क्या कपड़े कैसे हैं, क्योंकि जल्दबाजी में शुरू में तो मैंने देखे नहीं थे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे, बहुत बड़ा बिल था, तो यहाँ पे सारे कपड़े सेपरेट हो रहे थे, जो भैया के हैं वो भैया ले जाएगा, जो हमारे हैं वो हमारे पास रहेंगे। ये अपने लिए टी शर्ट लेके आए थे, वो दिखा रहे थे, मतलब सब कुछ कैलकुलेट कर रहे थे। तो काफ़ी अच्छी सेल थी, बहुत अच्छी ऑफर्स के अकॉर्डिंग है ना, हमें बहुत रीज़नेबल रेट के कपड़े मिल गए थे। और उसके बाद अब नाइट में मैं कर रही हूँ यहाँ पे डिनर की तैयारी। तो क्या रोटी नहीं बनानी है आज, मैं बना रही हूँ नमकीन चावल, क्योंकि मैंने तो खाना दोपहर में ही खाया था और इन्होंने शाम को भी खिचड़ी खा ली थी हमारे बनी हुई थी, तो बोले थे ज़्यादा हैवी तो कुछ खाने का मन नहीं है, तो रोटी वगैरह नहीं बनाई थी। तो मैं यहाँ पे ना फिर चावल बनाने की तैयारी करने लगी हूँ, क्योंकि नमकीन चावल ठंड में ना बहुत बढ़िया लगते हैं, और मतलब आप खा सकते हो ना, मतलब भरे पेट पे भी मैं थोड़े बहुत खा लेती हूँ, मुझे इतने पसंद आते हैं नमकीन चावल। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले प्याज फ्राई होने के लिए डाल दिया था, और यहाँ पे सारी सब्जियाँ हैं मेरी जो भी मुझे डालनी है। सोयाबीन को मैंने गर्म पानी में भिगो दिया, चावल भी अच्छे से भीग के रेडी हो गए हैं, मटर छिल चुकी थी, आलू, सारी सब्जियाँ रेडी हैं। जब तक प्याज मतलब गोल्डन ब्राउन होंगी ना, उस बीच में मैं यहाँ पे ना अपने सारे कामों को निपटा लूँगी, एक्स्ट्रा जो भी काम है। पुलाव में यही है, मैं एक बार कुकर चढ़ा देती हूँ, हाथ तो हाथ तैयारी करके रहती हूँ, पहले से कोई तैयारी नहीं करके रखती, क्योंकि इसमें इतना टाइम मुझे मिलता रहता है कि मैं अपनी हाथों हाथ मतलब तैयारियाँ करती रहती हूँ। तो सारी सब्जियों को धो के ना इकट्ठा कर लेती हूँ, और तब तक ये देखें यहाँ पे प्याज अच्छे से भुन के रेडी हो गई है। अब सारी सब्जियाँ डालूँगी और इन सारी सब्जियों को भी बहुत अच्छे से भून लूँगी, तभी ना टेस्ट आता है। तो सारी सब्जियों को भुनने देते हैं, उस बीच में मैं अपना पानी वानी का काम है जो भी इकट्ठा करना वो सब करती रहती हूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने इसमें हल्दी, मिर्च और थोड़ा सा धनिया पाउडर, बस बेसिक मसाले, और थोड़ी सी काली मिर्च भी डाल देती हूँ पाउडर वाली, या फिर साबुत तो मैं लौंग काली मिर्च डालती ही हूँ, डिपेंड करता है, कभी डालती हूँ कभी नहीं डालती हूँ। तो सारी सब्जियों को बड़े अच्छे से भून लिया मैंने, और उसके बाद फिर मैंने इसमें अपने चावल ऐड कर दिए थे। ये 1 गिलास चावल है, तो सिंपल सा 2 गिलास मैं इसमें पानी डाल दूँगी और नमक डालूँगी। बस एक सीटी आने में मेरे खिले के लिए पुलाव बनके हो जाएंगे रेडी। तो लास्ट में मैं नमक डालती हूँ, जब कुछ पानी वगैरह सब कुछ डालने के बाद फिर क्वांटिटी देखने के अकॉर्डिंग मैं नमक डालती हूँ, और कुकर को कर देते हैं बंद। अब कुकर में सीटी आएगी, तब तक यहाँ पे जो भी गंदगी जो भी फैलावड़ा हुआ है उस सबको साफ़ कर लेते हैं, हैंड टू हैंड जो बर्तन हो गए थे उन सबको धो लेती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है। मम्मी उसको रख रही हैं अभी, तो मुझे सारे काम एक साथ ही देखने हैं इस वक्त, एक काम के साथ 2-3 काम निपटाने पड़ते हैं। तो फटाफट जो भी बर्तन हो गए थे उन सबको धो दूँगी, और इसी बीच में मेरी चावलों में सीटी भी आ गई थी, तब तक ये काम हुआ। और 1-2 रोटी बनानी थी मुझे, तो वो भी मैं बना चुकी हूँ इस बीच में, बस क्योंकि सब्जी सुबह की थोड़ी सी बची हुई थी, पापा रात में चावल नहीं खाते हैं तो उनके लिए बनाई थी सिर्फ, तो उनके लिए मैं खाना यहाँ पे बना चुकी हूँ, बर्तन वगैरह भी सारे हो चुके हैं मेरे। तो देखिए मेरे ना गर्मा गर्म पुलाव बन के हो चुके हैं तैयार, एक एक दाना। विंटर्स में पुलाव खाने का ना अपना ही एक अलग मज़ा है, एक टाइम रोटी खा लो तो दूसरे टाइम रोटी खाने की इच्छा नहीं होती है, बट पुलाव खा सकते हैं। तो चलिए मैं तो ना फटाफट पहले डिनर कर लेती हूँ, क्योंकि जहाँ से भी शो रहा है उठ जाएगा तो फिर नहीं कर पाऊँगी। सबसे पहले मैं तो खाने बैठ ही गई थी, मैंने इनको आवाज़ लगा दी थी, चार्विक को बोल दिया था कि आके खा लो, वो लोग आएंगे, तब तक मैं तो अपना खाना लगा लेती हूँ, मैं खा लेती हूँ, क्योंकि जियांश को लूँगी ना फिर, इसलिए मैं पहले ही खा पी के फ्री हो जाती हूँ। और उसके बाद मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई, क्योंकि उसको ही रखती रह गई, और उसकी थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो कुछ ऐसा किया भी नहीं,
तो फिर अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पे मैंने बनाया था, मतलब मम्मी ने बनाया है ये पोहा, मैं सिर्फ गर्म कर रही हूँ। तो हस्बैंड को देना है, एक साइड दूध हो रहा है और पोहा अच्छे से गर्म करके मैं उनको दे दूँगी। और तब तक आज नाश्ते में ये कचौड़ी और ब्रेड भी लेके आए थे, तो एक एक कचौड़ी, ब्रेड और उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा पोहा, ये सभी हो जाएगा आज हमारा नाश्ता। तो पोहा लगा देते हैं सबसे पहले तो, और मम्मी भी यहाँ पे ना नहा धो चुके रेडी हैं, वो भी पूजा वगैरह करेंगी तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा, तब तक हम लोग तो कर लेते हैं। तो पोहे के ऊपर ना थोड़ी सी पीनट्स, नमकीन ये सब डाल दूँगी, तो काफ़ी फुलफिलिंग नाश्ता होता है ये, और भाई बहुत लाइट वेट होता है। मुझे तो बहुत ही पसंद है पोहा, मतलब मॉर्निंग में पोहा खाना मैं रोज़ ही खा सकती हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे पोहा। तो अब यहाँ पे चलिए पोहे की प्लेट रेडी हो गई है, और तब तक के लिए मैंने गर्म होने के लिए चढ़ा दिया है कचौड़ी वाली सब्जी, क्योंकि वो ना लाए थे तब गर्म थी, लेकिन 5-7 मिनट के अंदर ही वो काफ़ी ठंडी हो चुकी है, तो इसलिए उसको फिर से गर्म कर लेते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ पे लगाने लगी हूँ ब्रेड और इसके साथ सब्जी और हरी मिर्ची। ये देखिए इतनी तीखी हरी मिर्ची देते हैं ना ये लोग, बिल्कुल डार्क कलर वाली एक मिर्ची खाने में ना आपकी हिचकियाँ निकल जाएंगी, इतनी तीखी मिर्ची होती है। और ना मेरे हस्बैंड ना कचौड़ी या ब्रेड होता है इस टाइप की ट्रे होती है ना, इसमें खाना पसंद करते हैं, तो मैं उसको इसलिए उनको इसमें सब्जी दे रही हूँ, वो दाल कढ़ी कुछ भी हो इसी टाइप से खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर मैं करने लगी हूँ अपना नाश्ता, और उसके बाद फिर ये देखिए जो कपड़े आए थे ना उन सबके मैं टैक्स काट रही हूँ, क्योंकि मुझे सारे ही कपड़े धोने हैं। तो जो मॉल से लाए हुए कपड़े होते हैं ना उनमें बहुत टैग स्टिक बहुत आते हैं, तो धोने से पहले ये काम करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज पानी लगने के बाद कुछ कुछ चिल्ट्स तो ऐसी होती हैं जो बिल्कुल चिपक जाती हैं और फिर पूरा कपड़ा ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैंने सारे काट लिए हैं, ये देखिए कितने सारे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।